नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 2 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, ब्रह्मोस 2 या फिर ब्रह्मोस मार्क 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे डेवलप करने की प्लानिंग इंडिया और रशिया ने की थी। और वहीं पर रशियन साइड से इसे NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया कंपनी डेवलप करने वाली थी, और इंडिया की तरफ से इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ब्रह्मोस 1 जो कि ब्रह्मोस 2 का एक प्रीवियस वर्जन है, जिसकी रेंज इससे पहले तकरीबन 290 किलोमीटर थी, लेकिन उसकी रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर की जा रही है। वहीं पे ब्रह्मोस 2 जिसकी रेंज कहीं ना कहीं 450 प्लस किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, और ब्रह्मोस 2 की स्पीड कहीं ना कहीं मार्क 7 अनुमानित है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 एक स्क्रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन के थ्रू प्रोपेल किया जाएगा। और सबसे पहले ब्रह्मोस 2 को 2016 के डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्रह्मोस 2 2018 के एंड तक अपने प्रोटोटाइप के साथ डेवलप कर लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्रह्मोस 2 को आगे डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से कुछ नई डिमांड सामने आ रही है। और इन डिमांड्स की माने तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है एक हाइपरसोनिक तकनीक को लेके, जो वर्क शेयर है कितना डिवाइड होना चाहिए, और इसमें जो मनी इन्वॉल्व है, इन सभी को लेके दो राय सामने आ रही है इंडियन कंपनी और रशियन कंपनी के बीच में, जिसका नतीजा यह है कि यह प्रोजेक्ट और डिले हो रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो रशिया कहीं ना कहीं एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी शेयर करने में रिलक्टेंट है, और जिसका परिणाम है कि इसके डेवलपमेंट के लिए वो और भी फाइनेंशियल फंडिंग की डिमांड कर रहा है इंडियन साइड से, और वो चाहता है कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ज़्यादा हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में इंडिया और रशिया ने ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन के लिए अनाउंसमेंट किया है, जो कि ब्रह्मोस का ही एक लाइटर वर्जन होगा और जिसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। हालांकि ब्रह्मोस के जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसका रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है, और इस 450 किलोमीटर को अचीव करने के लिए इसकी स्पीड भी बढ़ा दी गई है। और इसकी स्पीड, जैसा कि मैं आप सबको बता दूंगा, ब्रह्मोस में जो लगा है रैमजेट इंजन, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसके फ्यूल्स में नए एडिशनल मॉड्यूल ऐड करके और फ्यूल बर्निंग रेट को कंट्रोल करके जो रैमजेट इंजन की स्पीड है उसको ही कहीं ना कहीं 3.5 मार्क करने की जो प्लानिंग थी वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ब्रह्मोस जो ER वर्जन होगा, एक्सटेंडेड वर्जन, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं 3.5 मार्क के आसपास होगी। हालांकि जहां तक बात ब्रह्मोस 2 की है, तो इंडिया और रशिया के दोनों के MTCR में आ जाने के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम में, ऐसा माना जा रहा था कि ब्रह्मोस 2 का जो डेवलपमेंट है वो जल्द से जल्द हो पाएगा, लेकिन इसका अपोजिट ही देखने को मिल रहा है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए रशिया कहीं ना कहीं और फाइनेंशियल फंडिंग की डिमांड कर रहा है इंडिया से। जैसा कि आप सबको बता दूं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि आने वाले फ्यूचर की डिमांड है, और अभी करेंटली रशिया, चाइना और USA इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप कर पाए हैं। वहीं पे अभी इंडिया का HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, और उसने भी तकरीबन 6.5 मार्क की जो स्पीड है वो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अचीव की है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के अंत तक या फिर 2020 के मिड तक HSTDV को भी कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाएगा, और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के लिए एक मेजर बूस्ट होगा, और कहीं ना कहीं दुनिया को इंडिया की तरफ से करारा जवाब होगा, ठीक क्रायोजेनिक्स इंजन और ASAT टेक्नोलॉजी की तरह। यहाँ पे कुछ देशों ने ASAT टेक्नोलॉजी के लिए मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दिया था, और वहीं पे एक समय ऐसा था जहाँ पे US ने क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी इंडिया को शेयर करने से मना कर दिया था। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए इंडिया हमेशा उभर के सामने आया है, और ऑलवेज एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया है, और वर्ल्ड को ये प्रूव किया है कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सक्षम है। और देखने वाली बात यह होती है कि DRDO HSTDV को कब तक सक्सेसफुली टेस्ट करती है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।